प्रिंस गिल ने एक बार फिर से मौका गवाया, अब टेस्ट टीम से बाहर होने की बारी आ गई है। बात शुभमन गिल को लेकर हो रही है, लगातार टेस्ट क्रिकेट में वो फेल हो रहे हैं। पहला टेस्ट मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेला जा रहा है, पहली पारी में भी शुभमन गिल फेल हो गए। पूरी कोशिश करी उन्होंने एक जुझारू पारी खेलने की, नंबर तीन पर वो जगह बना रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में वो सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए। 66 गेंदों का उन्होंने सामना किया, इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 चौके लगाए और इस पारी से उन्होंने कोशिश तो जरूर करी थी कि अपनी फॉर्म वापस लाएं, लेकिन ये आ ना सका और ये उनसे हो ना सका। इसके बावजूद भी अगर आपको बताएंगे इस वीडियो में कि गिल के जो आंकड़े पिछले 6 मुकाबलों के रहे हैं वो कैसे साबित करते हैं कि गिल की अब टीम इंडिया में जगह नहीं बनती। अगर गिल के लास्ट 6 टेस्ट मुकाबलों की हम पारी देखें तो कुछ इस प्रकार से है। अगर बात कर ली जाए अहमदाबाद टेस्ट, जहां पर गिल ने शतक जड़ा था, उसके पहले भी लगातार 2-3 पारियां उनकी फेल रही है। 128 रन की पारी अहमदाबाद टेस्ट मुकाबले में उनकी आई थी, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर 13 रन 18 रन एक टेस्ट मुकाबले में, उसके बाद फिर आती है अगले टेस्ट मुकाबले में सिर्फ 6 रनों की पारी, अगले में बैटिंग नहीं आती। उसके बाद अगर आप देखें 10 रन और 29 नॉट आउट रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर 2 रन और 26 रन, फिर अगर आप देखें तो 36 रन और फिर 10 रन, और उसके बाद जो पहला टेस्ट मुकाबला यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच वहां पर 23 रन। अब इन आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि 6 मुकाबलों में शुभमन गिल के नाम सिर्फ 173 रन है, और इससे पहले अगर आप जाएंगे इस पारी को और जोड़कर बढ़ाने की तो यानी कि पिछले 10 मुकाबलों के अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो उसमें रन तब भी कम रहेंगे, सिर्फ एक शतक आपको दिखेगा जो अहमदाबाद में आया था। ऐसे में गिल को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या गिल सिर्फ अहमदाबाद में रन बनाएंगे या गिल अपने आप को साबित भी करेंगे, क्योंकि इस टेस्ट मुकाबले से पहले शुभमन गिल को जिस तरीके से उन्होंने खुद बयान दिया कि ओडीआई उनका बहुत अच्छा रहा पिछला साल, लेकिन अब वो चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ अच्छा करें, लेकिन ये प्रदर्शन तो गिल के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि लगातार वो फेल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गिल की टेस्ट क्रिकेट में जगह बनती है या उनकी जगह सरफराज जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको टीम में लाने का समय हो गया या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।